हेलो एवरीवन, थिंकिंग प्रोजेक्ट चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस खास एपिसोड में हम एक युवक की जटिल भावनाओं और विचारों की प्रक्रियाओं को गहराई से समझने की कोशिश करेंगे, जिसने हाल ही में एक युवा महिला के साथ प्रेम कर बैठा है। हम उन विभिन्न कारकों का पता लगाएंगे जिन्होंने उसकी भावनाओं में योगदान दिया है, साथ ही संभावित बाधाओं और चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है जब वो अपने जीवन में इस नए और रोमांचक अध्याय के माध्यम से नेविगेट करता है। तो दिल थाम के बैठिए और बड़े ध्यान से हमारे साथ जुड़े, क्योंकि हम समझ और खोज की इस यात्रा को शुरू करते हैं। प्यार में पड़ना कोई साधारण मामला नहीं है, क्योंकि इसमें कई मनोवैज्ञानिक और जैविक कारण शामिल होते हैं। पूरी तरह से एक भावनात्मक अनुभव प्रतीत होने के बावजूद कई वैज्ञानिक व्याख्याएं हैं जो उन संवेदनाओं के लिए जिम्मेदार है जिन्हें हम प्यार में महसूस करते हैं। जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के लिए प्यार का अनुभव करता है तो यह आमतौर पर दो चरणों में होता है। प्रारंभिक चरण को आकर्षक के रूप में कहा जाता है, जो किसी व्यक्ति की शारीरिक विशेषताओं, व्यक्तित्व लक्षणों या अन्य वांछनीय गुणों के आधार पर किसी अन्य व्यक्ति में रुचि की विशेषता है। यह आकर्षक काफ़ी हद तक डोपामिन और सेरोटोनिन जैसे हार्मोन से प्रभावित होते हैं, जो खुशी और संतोष की भावनाओं को पैदा करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। जब कोई व्यक्ति किसी ऐसे व्यक्ति के आसपास होता है जिसे वे आकर्षक पाते हैं, जैसे जैसे दूसरे व्यक्ति में हमारी रुचि बढ़ती है, हम मोह के चरण में चले जाते हैं, जहां हम उनके लिए तीव्र और प्रबल भावनाओं का अनुभव करते हैं। अक्सर पेट में अस्पंदन जैसी शारीरिक संवेदनाओं के साथ मोह की भावना ऑक्सीटोसिन जैसे हार्मोन की रिहाई के कारण होती है, जो लगाव और बंधन की भावना को बढ़ावा देती है। मोह के प्रारंभिक चरण के कम होने के बाद हम आसक्ति के चरण की ओर बढ़ते हैं, जहां हम आपसी अनुभवों, आत्मविश्वास और अंतरंगता के माध्यम से किसी के साथ गहरा भावनात्मक बंधन बनाना शुरू करते हैं। वैसोप्रेसिन के असराव से लगाव पैदा होता है, जो हमारी समझदारी में सुरक्षा और सहजता की भावना पैदा करता है। हालांकि प्यार में पड़ना एक सामान्य साझा घटना है, जिन व्यक्तियों के साथ हम भावनाओं को विकसित करते हैं वे कई कारणों से प्रभावित हो सकते हैं। इन कारणों को हमारे जीव विज्ञान के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, जैसे कि हमारे अनुवांशिकी या हार्मोनल असंतुलन, या वे हमारी सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से उत्पन्न हो सकते हैं, जिनमें बचपन से ही हमारे द्वारा डाले गए मूल्य और विश्वास शामिल हैं। इसके अलावा जिस सेटिंग और संदर्भ में हम किसी से मिलते हैं वो भी हमारे स्नेह पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालता है, खासकर सामाजिक मापदंडों के संबंध में। प्यार में पड़ने का अनुभव लड़के और लड़कियों दोनों के लिए समान हो सकता है, लेकिन लिंग के बीच उल्लेखनीय अंतर है। अध्ययनों ने संकेत दिया है कि लड़कियां आमतौर पर अधिक तेजी से और मजबूत भावनाओं के साथ प्रेम में पड़ जाती हैं, भावनात्मक अंतरंगता पर अधिक महत्व देती हैं। इस बीच लड़के शारीरिक आकर्षक और यौन इच्छा पर अधिक जोर दे सकते हैं। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि प्रत्येक व्यक्ति का अपना व्यक्तित्व होता है और प्यार को अपने अलग तरीके से देखना है। प्यार में पड़ने की प्रक्रिया को एक ही व्याख्या से परिभाषित नहीं किया जा सकता, क्योंकि प्रत्येक रिश्ता जैविक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक तत्वों सहित विभिन्न कारणों का एक जटिल परस्पर क्रिया है। प्यार में पड़ने की प्रक्रिया एक आकर्षक और जटिल प्रक्रिया है, इसमें कई मनोवैज्ञानिक और जैविक तत्व शामिल हैं। भले ही पुरुषों और महिलाओं को प्रेम का अनुभव करने में कुछ अंतर हो सकते हैं, यह अंततः एक गहन रूप से व्यक्तिगत घटना
है जो हमारे विलक्षण व्यक्तित्वों, जीवन मतभेदों और स्थितियों द्वारा ढाला जा सकता है। आशा करता हूँ कि मेरी वीडियो ये आपको समझ आई होगी। अगर समझ आई होगी तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और हाँ अपने दोस्तों के साथ साझा ज़रूर करें। जय हिंद दोस्तों।